कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में यूपी विधानसभा सत्र से पहले एनडीए के विधायकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एनडीए के विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान बीजेपी के दिवंगत हुए लखीमपुर की गोला विधानसभा के विधायक अरविंद गिरी को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही एनडीए दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सदस्य विधायक सदन में ज्यादा से ज्यादा समय देकर कार्यवाही का हिस्सा बने। बता दें कि आज यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एनडीए की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान बीजेपी के दिवंगत हुए लखीमपुर की गोला विधानसभा से विधायक अरविंद गिरी को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही एनडीए दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सदस्य विधायक सदन में ज्यादा से ज्यादा समय देकर कार्यवाही का हिस्सा बने। बता दें कि आज से यूपी में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, इसको लेकर एनडीए की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान बीजेपी के दिवंगत हुए लखीमपुर की गोला विधानसभा से विधायक अरविंद गिरी को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज एनडीए की बैठक में मानसून सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है और आज एनडीए की बैठक की गई थी जिसमें दिवंगत अरविंद गिरी को आज मौन श्रद्धांजलि दी गई है। जी बिल्कुल नंदिनी, चूंकि अब मानसून सत्र 5 दिन का सत्र रहेगा यहाँ पर, और जहाँ पर एक तरफ सरकार को अपना बेहतर कार्यकाल का देखा जोखा पेश करना है, साथ ही साथ कुछ नई योजनाओं पर चर्चा भी करनी है। और इस सत्र का अगर हम बात करें तो सत्र में एक दिन का दिन महिलाओं के लिए दिया गया है, जो महिलाएं हैं वो भी अपनी बात रख सकेंगी। बहुत अच्छा ये, और ये मिसाल से विधानसभा में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक दिन मान सत्र का महिलाओं के नाम किया जा रहा है, निश्चित रूप से बेहतर पहले। और वही दूसरी तरफ जहाँ पर बीजेपी ने अपनी बैठक में एनडीए की बैठक हुई है, बैठक में जो अभी गुलाबेज विधायक जो दिवंगत हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, उनके बाद उनकी श्रद्धांजलि भी दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा भी की है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और रालोद ने घोषणा की है कि वो विधानसभा सत्र के दौरान सरकार घेरने का प्रयास करें, तो उसके लिए रणनीति बनाई, किस तरह रणनीति में हमको उनको काम करना है, और जो विपक्ष लगातार सरकार घेरने का प्रयास कर रहा है उससे किस तरह नजर पा रहे हैं, उनको जवाब देना है, इस तरह की चर्चा भी की गई है। गौरव, आज मानसून सत्र की शुरुआत को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल, प्रदर्शन हुआ है, इसके पहले भी 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम संसद में मार्च करेंगे, विधानसभा में उन्होंने मार्च करने की बात कही थी, पर वहाँ पर देखा गया था कि कानून व्यवस्था खराब ना हो इसके चलते सभी जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी उनको नजरबंद कर दिया गया था और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा कड़ी घोषणा भी की गई थी कि इस तरह से जो लोकतंत्र में गलत हो रहा है और लोकतंत्र का काला दिन है कि लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है कि जो अपनी मांग ना उठा सके। पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कल बैठक हुई थी, बैठक में भी निर्णय लिया गया था। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी कहा था कि हम इस बार सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए आज ये प्रोग्राम भी था जिसके चलते सपावी पार्टी कार्यालय से और विधानसभा तक एक मार्च करना था, जो विधायकों और कार्यकर्ता पर वो भी कार्यक्रम सपा द्वारा किया गया आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के यहाँ भागवत कथा के समापन में स्वामी यतीन नरेंद्र सिंह पहुंचे। वहीं यतीन नरेंद्र सिंहानंद गिरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज देना चाहिए जहाँ इनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जाके।
साथ ही एमयू को बताया कि इस्लाम और भारत विभाजन का गढ़ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए, एमयू में जितने लोग रहते हैं सभी डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद नई मंदिर। देखिए ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है, ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है, जो हाल मदरसों का इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं? लगते रहते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं, आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। कोई मदद नहीं मिलती है? देखिए सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है, हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे हैं यहाँ भी ऐसे हैं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बुलंदशहर में चहलुम ताजिया का जुलूस निकाला गया। बता दें कि मंदिर में आरती के वक्त चहलुम ताजिया के जुलूस में सोगवारों ने जुलूस रोक दिया। मंदिर में आरती के बाद आगे बढ़ा चहलुम ताजिया का जुलूस दोबारा निकाला गया। जानकारी के मुताबिक चहलुम ताजिया का जुलूस ऊपरकोट इमामबाड़ा से शुरू होकर काला आम स्थित करबला पर खत्म हुआ। जुलूस में शिया समुदाय के सैकड़ों सोगवारों ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान पुलिस लाठी चार्ज के खिलाफ याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 की रात CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया था, जिसमें करीब 50 छात्र घायल हो गए। छात्रों ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए 15 दिसंबर में जो सूरत हाल कैंपस के अंदर थी, वाइस चांसलर के बुलावे पर जो पुलिस दाखिल हुई, उसके बाद में जो बर्बरियत यहां पर हुई और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, लड़के जख्मी हुए और वो चीज़ें कोई भूला नहीं है। लेकिन यहाँ तक कोर्ट का फैसला है इसमें, तो हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है इस पर, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। तो हाई कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में हम हार कर तो नहीं बैठेंगे, हम लड़ाई को आखिरी दर्जे तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन 15 दिसंबर में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाँ तोड़ी गईं और किस तरीके से शेलिंग हुई थी वाइस चांसलर के इशारे पर। देखिए 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ 15 दिसंबर 2019 को, वो सबके सामने है, सारी चीज़ें फैक्ट्स वगैरह सारी सबके सामने हैं। NHRC ने इंक्वायरी करी, NHRC की रिपोर्ट सबके सामने है। NHRC की रिपोर्ट पर जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर हाईकोर्ट ने पास किया था फर्स्ट लॉकडाउन से पहले, और वो कितना स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, वो भी सबके सामने है, मंजरेआम पर है वो सारी चीज़ें। उसके बाद अब ये 2 साल के बाद हियरिंग दोबारा शुरू हुई और सिर्फ 3 हियरिंग्स में जो है ये एकदम से आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया। हरदोई में आज एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया। यहां मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि पूरे देश में ही सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, इस कड़ी में जिले में सभी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि TB के मरीज को गोद ले रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं और विभाग भी लगातार बीमारियों को रोकने में लगी हुई है। मंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि किस तरह TB के मरीजों की संख्या को शून्य किया जा सके। बता दें कि मंत्री नितिन अग्रवाल ने 52 चुंगी पर स्थित अर्बन PAC पर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है। सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश प्रदेश में, और उसी कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मैं अपने हरदोई के एक अर्बन PAC पे स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन मैंने किया है। और लगातार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, योजनाएं चला रही है, जनता के बीच में स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। और जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि TB मुक्त हमें इस देश को करना है।
संभल के असमोली थाना क्षेत्र के बुकनाला सादात में 2 साल बाद नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में जुलूस परंपरागत तरीके से निकाला गया। बता दें कि नवासाए रसूल के चैलूम का जुलूस इमाम बारगाह साहिब जुमान से निकलकर बुकनाल सादात के सभी इमाम बारगाहों पर नोहा खानी व मातम करते हुए सभी आजदार दरगाह ए आलिया स्थित मुख्य मार्ग से होकर बुकनाला सादात की करबला पहुंचे और गम का प्रदीप काला अलबा और करबला पहुंचकर नजबा कर दिया। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां मुस्लिम समुदाय व एएमयू के छात्रों द्वारा चहलुम का जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत यूनिवर्सिटी कैंपस के बैतूल सलात से हुई और फिर कैंपस में घूमते हुए वापस बैतूल सलात के कब्रिस्तानों में ताजियों का दफन किया गया और वही औरैया में इस तरह जुलूस निकालकर ताजियों को दफन किया गया। गाजियाबाद में पानी की समस्या का समाधान न होता देख बुजुर्ग ने अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार और न्यायपालिका से इच्छा मृत्यु मांग कर डाली। पानी की समस्या को लेकर जानकारी दी गई। पीने के पानी में नाले का पानी आ रहा है और काले गंदे पानी से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी लगातार गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है। गंदे पानी से पीने से गंभीर बीमारियां होने का खतरा पूरे परिवार को बना हुआ है, इसलिए बुजुर्ग अब प्रशासन से मामले में शिकायत कर रहा है। पूरा मामला ये है, ये विशाला नाला, इसकी मीथेन गैसेस, हर बार बारिश क्या वैसे ही इसका पानी ऐसे आ जाता है, बाहर सारे घरों में भर जाता है और हालत बुरी हो जाती है। करोड़ों के घर, यहाँ कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इस लाइन में जाएंगे, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ये तो एक समस्या है। दूसरी, जब दिल्ली में कवर हो सकते हैं नाले, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते। दूसरी मेन समस्या जो है, 35 साल से हमारी जो पेयजल, गाजियाबाद जल निगम की जो पेयजल सप्लाई लाइन है, वो नाले में से गुजरती है। ऑन पेपर गंगा जल है, पर आता क्या है, हमारे घरों में नाले का पानी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, पानी, गंदे पानी को लेकर आक्रोशित बुजुर्ग ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है, इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, आपको बता दूं, गाजियाबाद में जिस तरह से दूषित पानी से लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गंगा जल वाटर है उसकी सप्लाई के साथ साथ में एक सीवर का पाइप भी है, जहाँ पर जो वहाँ के क्षेत्रवासी है वो काफी दिनों से परेशान है। हालांकि उनका ही वो बुरा हाल नहीं है, वहाँ के जो निवासी हैं उनका भी काफी बुरा हाल है। तो जो व्यक्ति है उसने नई एक पहल जारी करी कि लोगों को जागरूकता हो, लोग इस तरह से जो पानी पी रहे हैं उसे घुट घुट के मरने से है कि वो इच्छा मृत्यु की, उन्होंने एक सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करी है कि उनको इच्छा मृत्यु की दी जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गाजियाबाद के ब्रिज विहार इलाके का पूरा मामला है, यहाँ के जितने भी क्षेत्रवासी निवासी हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर दूषित पानी पी रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो दूषित पानी है उसके अंदर से छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं, जिससे कि लगातार काफी समय से लोग वहाँ बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह की जो एक नाले में बैठ कर खड़े होकर पोस्टर लेकर जिस तरह से एक विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि हालांकि कई शिकायतें दे चुके हैं उनका कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सुनवाई नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दूषित पानी जो गंगा जल वाटर से लगा हुआ है, तो उसके जब पाइप टूटता है, पाइपलाइन टूटती है, तो कहीं ना कहीं वो जब पानी है वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो उसको लेकर खासा परेशानी क्षेत्र में बनी हुई है और लोग लगातार इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस चीज की सुनवाई नहीं करी। तो बात करें तो बुजुर्ग आप देख सकते हैं कि पूरा अपने गले तक पानी में वहां उतर कर जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन की आंखें खुलेंगी और इस मामले को जिस तरह से दूषित पानी से लोग परेशान है, इसका निवारण होगा। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। हरदोई के पिहानी कस्बे में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कई छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं। छात्राओं को उल्टी व जी मिसलने की शिकायत होने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से 2 छात्राओं को हरदोई के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक छात्राओं को खाना खाने के बाद जी मिचलना व चक्कर आने की शिकायत होने लगी। डॉक्टरों की जाँच पड़ताल में फूड प्वाइजनिंग की भी बात निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल अस्पताल में छात्राओं का इलाज चल रहा है। आप कहाँ पढ़ती हो? क्या हो गया था? पेट दर्द हो रहा था। अच्छा, क्या खाया था? छोला चावल पूरी रसगुल्ला रायता। अच्छा, दवाई भी खाई थी कोई? नहीं।
अच्छा, तो सबके दर्द होने लगा था। अच्छा, और कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद कहाँ आए थे आप? अस्पताल में आए थे? हाँ। दवाई दे दी? हाँ। अब ठीक है? प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली इलाके के सदर मोड़ के पास चहलुम जुलूस के दौरान जाम हटवाने पहुंचे सिपाही पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान डीजे बंद करवाने को लेकर सिपाही से कहा सुनी हो गई थी। इस बात को लेकर सिपाही पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ सिपाही का इलाज चल रहा है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, जुलूस के दौरान डीजे बंद करवाने को लेकर एक सिपाही पर गाड़ी चढ़ा दिया गया, इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें मैडम, जनपद प्रतापगढ़ के सदर मोड़ का पूरा मामला है, जहां आज चहलुम का जुलूस जो है वो निकाला गया था। वही बता दें कि चहलुम के जुलूस निकालने पर भारी तादाद में लोग जो है चौराहे पर एकत्रित हो चुके थे, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पूरी तरीके से उत्पन्न हो गई थी। बता दें कि वहीं मुकुंदूगंज चौकी पर तैनात सिपाही जो है वो पूरी तरीके से जाम की सूचना पाते मौके पर पहुंचे और जाम छुड़वाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वहां सिपाही पर कुछ लोगों के द्वारा बात न बनने की वजह से जानलेवा हमला कर दिया गया। वहीं बताया अभी जाता है कि सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। वहीं बता दें कि डीजे जब जैसे ही सिपाही ने बंद करवाया कि डीजे बंद करवाने से ही कुछ जाम पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इसी दौरान वो लोग सिपाही से कहा सुनी होते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिए, जिससे सिपाही रवि यादव पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बता दें कि स्थानीय तत्काल लोगों के द्वारा व स्थानीय पुलिस के द्वारा तत्काल उन्हें जिला अस्पताल में उनका इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम। औरैया के गांव जगदीशपुर से एक हफ्ते पहले घर से गुड़गांव के लिए निकले युवक की डेड बॉडी संदिग्ध हालत में एक बाग में मिली, जिसके बाद घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं पुलिस ने शव की पहचान विकास के रूप में की है, जो अपने घर से गुड़गांव में प्राइवेट नौकरी करता था। बता दें मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना अजीतमल क्षेत्र के बिलावा के पास में बगीचे में एक अज्ञात डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जिसपे तत्काल सूचना पर ताल पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। शव को हम लोग जो है पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम में भिजवाया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना चाहिए आप, कार्रवाई करो? क्या कहना है, भाई है कन्फर्म? आपने शिनाख्त कर ली है? ठीक है, किससे शिनाख्त की? कपड़ों से या किस तरह? नीली बनियान पहन रखा था। हाँ, उसका फोन भी है, वो फोन देख लिया मैंने, फोन भी वही है। हाँ, उसकी सिम कार्ड के वो। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिद, एक हफ्ते पहले एक युवक अपने घर से निकला था, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत पाई गई है। जी, आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले युवक अपने घर से गुड़गांव के लिए निकला हुआ था, पर एक दिन पहले ही उसका सब उसके ही गांव में मिलता है। तो गांव में जब सब मिलने के बाद वही गांव के ग्रामीण में सनसनी का माहौल बन जाता है, जिससे आना भाई पुलिस को दी जाती है। वही मृतक के परिजनों को बुलाकर सबकी पहचान की करवाई जाती है। वहीं मृतक के परिजन उसके सबको पहचान लेते हैं और उसको उन्होंने एक हत्या का आरोप लगाया है। वही इस मामले में पुलिस पूरी जानकारी में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति